गुड इवनिंग, दिस इज मुकेश वर्मा। आई हैव गुड नॉलेज अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन मैंने मेरा एक चैनल है उमंग सेवा इंडिया नाम से, उस पर मैंने वीडियो बनाया है इंग्लिश सेंटेंसेस से संबंधित, डेली यूजेस सेंटेंसेस के बारे में। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरा वीडियो देखा और उन्होंने कहा कि सर आप कुछ मैथमेटिक्स से संबंधित वीडियो बनाइए और यूट्यूब पे अपलोड करिए। तो मैं अपने व्यूअर्स के अनुरोध का ध्यान देते हुए मैं पहली बार मैथमेटिक्स का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। गाइस, तो बात करते हैं हम नंबर सिस्टम की, जो एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, एनी कॉम्पिटिशन एग्जाम में दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी आस्क, दे आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एवरी कॉम्पिटिशन एग्जाम। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है ये हमारा, तीन क्रमागत संख्याओं का योग 84 है, पहली और दूसरी संख्या का योग बताइए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके दो मेथड हैं, एक लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग मेथड की। लॉन्ग मेथड, अब इस क्वेश्चन में एक वर्ड है क्रमागत। बहुत सारे लोग सोचते होंगे ये क्रमागत क्या होता है, इसके बारे में नहीं जानते होंगे। ये है क्रमागत, ये वर्ड। तो क्रमागत क्या होता है, क्रमागत ये होता है जैसे क्रम से कोई भी संख्या आती है तो उसे क्रमागत करते हैं। जैसे 1 के बाद अगर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, क्रमागत संख्या, इसी को हम कहते हैं। जो क्रम से आती है उसको क्रमागत संख्या कहते हैं। और अगर 1 के बाद सपोज 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, तो ये हमारी क्रमागत संख्या नहीं है। अभी हमारे क्वेश्चन में क्रमागत संख्या की बात हो रही है, तो हम क्रमागत संख्या के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब ये क्वेश्चन में क्रमागत संख्या आपको कंफर्म हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तीन क्रमागत संख्याएं, यानी तीन संख्याएं हैं ऐसे ही क्रम से, ये नहीं है दूसरी कोई संख्या है जो हमको पता नहीं है कौन सी वो संख्या है। तो तीन क्रमांक, लेकिन इतना पता है कि वो तीनों संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 84 यानी 84 आएगा, इतना पता है। अब हम लॉन्ग मेथड इसको बताते हैं, लॉन्ग मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, अगर हमें नहीं पता है तो हम मान लेते हैं, यहां माना पहली संख्या बराबर x, मान लेते हैं हम पहली संख्या x है, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1, यानी पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या x प्लस 1 होगी। सपोज दैट हम मानते हैं, मान लीजिए अगर x के जगह पे आपको 1 है, तो दूसरी संख्या 1 में अगर हम 1 में अगर हम प्लस 1 करेंगे तभी तो हमको 2 मिलेगा, 1 में 1 प्लस कर देंगे तो 2 मिलेगा। उसी तरह हमको यहाँ पता नहीं है, यहाँ तो पता है कि पहली संख्या 1 है, लेकिन हमको इस क्वेश्चन में नहीं पता है कि पहली संख्या क्या है, तो इसलिए दूसरी संख्या x प्लस 1 होगी। अब तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या होगी, तीसरी संख्या बराबर x प्लस 2, ठीक है। अब तीनों संख्या हम लोगों ने मान लिया, पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या x प्लस 1 हो गई, तो तीसरी संख्या x प्लस 2 हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार या इसको सीबीएसई बोर्ड में बोलते हैं ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में प्रश्नानुसार। अब जो है तीनों संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो 84 आता है। तो अब यहाँ पे प्रश्न के अनुसार जोड़ लेते हैं, x हो गया पहली संख्या, प्लस x प्लस 1 दूसरी संख्या हो गई, और प्लस x प्लस 2 तीसरी संख्या हो गई। इस तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 84 यानी 84। अब क्या करेंगे, अब देखिए जो x वाला पक्ष है, जितने ये x वाले पक्ष को एक में जोड़ लेंगे तो x प्लस x 2x और x 3x हो गया।
और जो अंक है नंबर है ये नंबर वाले को हम एक भी जोड़ लेंगे, एक्स वाले को एक भी जोड़ लिया, फिर नंबर वाले को एक भी जोड़ लेंगे, तो प्लस टू है, वन है, ये टू है, टू प्लस वन कितना हो गया थ्री बराबर 84। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, थ्री एक्स है इसको लिखेंगे, अब ये थ्री है इसमें इसको हमें हटाना है, यानी एक अगर इधर चला जाएगा तो इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, तो थ्री एक्स बराबर हो गया 84 माइनस थ्री, ये पक्षांतर विधि बोलते हैं इसको, पक्षांतर विधि से ये हुआ है, थ्री उधर चला गया तो 84 माइनस थ्री, अब 84 में से थ्री निकाल देते हैं तो थ्री एक्स बराबर हो गया 81, ठीक है, थ्री एक्स बराबर कितना हो गया 81। अब जब थ्री एक्स बराबर 81 हो गया, थ्री एक्स बराबर 81, तो अब x की वैल्यू निकालेंगे, तो x जो है निकालेंगे तो ये 3 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, जब 3 को ये जो है तिरय गुणा उसको बोलते हैं, x बराबर जो है 81 अपान 3, 3 का इसमें तिरय गुणा हो जाएगा नीचे ये बटे में हो जाएगा, अब x का इसमें डिवाइड करेंगे, x बराबर 81 अपान 3 तो 81 में 3 से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 3 × 6 = 2, 3 × 7 = 21, यानी 27। पहली संख्या आपको पता चल गई 27, पहली संख्या आपको पता चल गई 27। अब यहाँ पे हमको पहली संख्या x यहाँ पे माना था हमने, x बराबर 27 हमको मिल गया, ठीक, अब हमको पता करना है, क्वेश्चन पूछा पहली और दूसरी संख्या का योग बताइए, तो पहले आपको पहली और दूसरी संख्या को पता करनी पड़ेगी, उसके बाद से उसको जोड़ के बताएंगे, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 है और दूसरी संख्या x पर x के जगह पे हमने 27 रख दिया, वैल्यू पुट अप कर दिया और प्लस 1 कर दिया, यानी 27 और प्लस 1 28 हो गया, ठीक। अब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, क्वेश्चन में एक पूछ रहा है पहली संख्या और प्लस दूसरी संख्या, इन दोनों का योग बताइए, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि इसका योग कितना है, तो पहली संख्या हो गई 27 और दूसरी संख्या कितना हो गया 28, अब इसको जोड़ देंगे तो 8 और 7 होता है 15 और 2 × 2 = 5, 55, पहली और दूसरी संख्या कितना हो गई दोनों मिलाकर 55, तो यही आपका जो है आंसर हो गया, ये हो गया लॉन्ग मेथड। अब ये कंपटीशन में बहुत कम समय होता है, 20 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, तो उसके लिए शॉर्ट मेथड बता दे रहा हूँ, शॉर्ट मेथड क्या होता है, ये हो गया ये शॉर्ट मेथड, देख लीजिए ये लॉन्ग मेथड था ये शॉर्ट मेथड। सबसे पहले हमको पता है कि 3 संख्या है और 84 है, तो यहाँ सीधे 84 में 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक, 84 जितनी संख्या है जितना योग है उसको पहले लिख दीजिए और जितनी संख्या है उसको बटा में और 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 और इसमें 2 बच जाएगा 24 हो जाएगा, फिर 3 8 जा 24, तो ये जो आपको संख्या मिलती है ये क्या है, बीच की संख्या है, बीच की संख्या 28, जो भी हम भाग करेंगे बीच की संख्या, तो आपको बीच की संख्या पता चल गई और संख्या कितनी है, टोटल संख्या 3 है, तो बीच की संख्या ये है, तो इसके पहले एक संख्या है 27 होगी और इसके बाद जो है 29 होगी, ठीक, ऐसे हम निकाल लेंगे बीच की संख्या 28 है तो उसके पहले एक संख्या होगी और उसके बाद एक संख्या होगी, तो 27 हो गया 29 हो गया, अब पूछ रहा है पहली और दूसरी संख्या का योग बताइए, तो पहली संख्या जो है 27 है और दूसरी संख्या कितनी है 28 है, पहली संख्या 27 दूसरी संख्या 28, 28 + 27 8 × 7 = 15, 2 × 2 = 55, यानी इस तरह से भी हम शॉर्ट मेथड कर सकते हैं, ऐसे भी 55 आंसर आ रहा है आपका और इस तरह भी 55 आपका आंसर आ रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा और आशा करता हूँ इन नेक्स्ट वीडियो में मैं और इससे अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँ जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, तो गाइस आप लोग इस चैनल को देखें, मेरा चैनल है जिसका नाम है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उमंग
सेवा इंडिया, उमंग सेवा इंडिया नाम से यही मेरा चैनल है। इस चैनल को यूट्यूब पे जाएं, सर्च बॉक्स में ये उमंग सेवा इंडिया आप लिखें, उसके बाद चैनल आएगा, उस पे सब्सक्राइब का एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, ऐसे सब्सक्राइब लिखा होगा SUBSCRIBE, सब्सक्राइब बटन पे इस पे रेड कलर का होता है, ये रेड कलर का, इस पे जो है क्लिक करें आप, और एक बगल में ऐसे घंटी टाइप का होगा, इस घंटी को सिलेक्ट करें और उसके ऊपर एक ऑप्शन आएगा सबसे ऊपर ऑल का, ऑल को सिलेक्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि गाइस आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा अंदर से उत्साह और बढ़ेगा और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू गाइस।